अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग या रिव्यू करने जा रहे हैं एक स्मार्ट वॉच का। अगर हम इस स्मार्ट वॉच के बॉक्स की बात करें तो सबसे ऊपर हमें लिखा हुआ है कलर वॉच और यहाँ पे हमारी वॉच बनी हुई है। इस साइड पे इसका कुछ मॉडल नंबर लिख मेंशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगर हम इस साइड पर बात करें तो बाकी साइड एम्प्टी हैं। बैक साइड पर इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जिसमें पेडोमीटर, कैलोरीज, हार्ट रेट मोनीटर, स्लीप मोनीटर और ब्लड प्रेशर टेस्ट, मैसेज पोस्ट, सिट रिमाइंडर और वेदर फोरकास्टिंग भी दिया गया है। और यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन के बारे में लिखा गया है कि कौन ऐप स्टोर और iOS और एंड्रॉयड दोनों में इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। और यही था इसका बॉक्स। अब हम इस वॉच को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमें मिल जाती है, ये है हमारी स्मार्ट वॉच। इसे हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं, बाद में इसकी हम क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। ये हमें एक प्लास्टिक का कवर मिल जाता है, उसके नीचे हमारा है चार्जिंग डॉक और चार्जिंग डॉक के नीचे है हमारा यूज़र मैनुअल। ये यूज़र मैनुअल जो है ये इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेजेज में अवेलेबल है। इसका जो बाय लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इसके चार्जिंग डॉक की बात कर लें तो कुछ इस तरह की इसकी चार्जिंग डॉक हमें मिलती है। कुछ इस तरह से हम इसको यूँ अपनी वॉच के अंदर अटैच कर सकते हैं और अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हम इस चार्जिंग डॉक को भी ज़रा साइड पर रख देते हैं। तो ये है हमारी मेन स्मार्ट वॉच। ये हमें मेटल का यहाँ पे ये स्ट्रैप्स मेटल टाइप के बनाए हुए हैं और क्वालिटी ठीक है, लेकिन मुझे मेटल से ज़्यादा जो रबर वाले स्ट्रैप्स हैं सिलिकॉन वाले वो ज़्यादा पसंद हैं। तो उसके बाद ये अगर हम स्मार्ट वॉच के बैक की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट ब्रेसलेट लिखा गया है, हार्ट रेट सेंसर है और चार्जिंग पोर्ट्स हैं। तो अगर हम इसको ऑन कर लें तो नीचे वाली साइड पे हमें एक सिंगल टच बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका टाइम का मोड मिल जाता है, उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा स्टेप काउंटर, उसके बाद हमें नाइट ट्रैकिंग और ये हमें मिल जाता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और हार्ट रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और स्पोर्ट्स के मोड में अगर हम लॉन्ग प्रेस करें तो वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, SP02 और ब्लड प्रेशर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें मैसेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर हम इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे मैसेज भी इस पे आ जाएंगे, नोटिफिकेशन। यहाँ पे हमें शटर का ऑप्शन मिलता है। अदर्स के ऑप्शन में अगर हम देखें तो अबाउट, स्टॉप वॉच का ऑप्शन भी मिल जाता है, QR कोड, इसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। रीसेट का ऑप्शन मिलता है, पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये कुछ वॉच फेसेस भी हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा वॉच फेस है और ये आप वॉच फेसेस देख सकते हैं। ये तीन हमारे पास वॉच फेसेस अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन में चेक कर लेंगे कि कोई और वॉच फेस अवेलेबल है या नहीं। तो यही थी स्मार्ट वॉच की फर्स्ट लुक। तो अगर हम इसके हार्ट रेट की सेंसर की वो चेक कर लें कि कितना एक्यूरेट है। तो यही थी इसकी अनबॉक्सिंग और छोटी सी वीडियो। आई विल ट्राई कि मैं किसी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसका जो मैं आपको फुल रिव्यू प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इसकी जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी एप्लीकेशन को वहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।